बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही ईद के लिए हरे धनिया पुदीने की चटनी, बिल्कुल सिंपल वाली। ये आपने जरूर बना के रख लेनी है, ये बहुत काम आएगी। इसमें हमने कोई दूसरे लवाजमात नहीं डाले, यानी कि मेवा, इमली का पल्प, बादाम पेस्ट, वो अलहदा चटनी होती है, ये सिंपल वाली चटनी अलहदा होती है। ये आज मैं आपको सिंपल वाली चटनी बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने एक गठी ले ली है हरे धनिए की और दो ले ली है पुदीने की, और ये 8 से 10 हरी मिर्ची ली है, 1 टीस्पून सूरा मिर्च और 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिए बस। और मैंने कुछ नहीं डालना और पानी भी नहीं डालना। जग में मैंने सबसे पहले ये डाल लिया हरी मिर्च को, और इसमें मैं ये नमक और सूरा मिर्च डाल रही हूँ बस। ये इसके मसाले हैं, कोई इमली का पल्प नहीं डालना है इसमें, ना इसमें मेवा डालना है। और इसमें मैं ये हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया जो है वो मैंने डंडियों के साथ ही काटा है, ये देखिए इसकी सारी डंडियां इसके साथ ही हैं। और जो फ्लेवर इनमें होता है पत्तों में भी इतना नहीं होता जितना इसमें होता है। और ये पुदीना, पुदीने की मैंने पत्तियां लैदा कर ली हैं, और पानी नहीं मैंने शामिल करना है इसको, बहुत अच्छी तरह मैंने धो लिया है। ये जो पानी अब भी निकला है ये देखें, ये मैं जाया कर दूंगी। अब मैंने इनको ग्राइंड करना है, बहुत ही अच्छी तरह इनकी पेस्ट बना लेनी। पूरे 5 मिनट मैंने इसको चम्मच के साथ हला हला के मशीन को चलाया, तो अब ये तैयारी के करीब हो गए। पूरे 5 मिनट लगे, अब देखो बस। अब मैं मशीन को बंद करूंगी और इसे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमने इसे सेव करना है। एक बॉक्स ले लें, इस तरह प्लास्टिक का कोई भी आप बॉक्स ले लें, एयर टाइट हो, उसके ऊपर ढक्कन जो है ना वो बहुत अच्छी तरह फिट आए। और सारी चटनी मैंने ये इस बॉक्स में निकाल लेनी है। ये चटनी तकरीबन पूरा 1 महीना जाएगी और इसी तरह ये फ्रेश रहेगी, और जैसे भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद पे तो हमने ये जरूर इस्तेमाल करनी है, कुछ भी बनाएं, जैसा मर्जी खाना खाएं, लेकिन पुदीने की चटनी जरूर बना लें। दोपहर को, रात को आपने ये चटनी जरूर बना के रख लेनी। ये देखिए ये सारी चटनी मैंने इसमें डाल ली है। आप इसमें फॉइल लगाएंगे इस तरह, और उसके बाद इसका ऊपर ढक्कन दे देंगे। फॉइल से ये होगा कि ये बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर की ही रहेगी। आज मैंने आपको सिंपल चटनी बनाने की रेसिपी दी है, प्लीज ये बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।